अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म की। ठीक है, कि मतलब एम्पथी क्या होता है और ऑल्ट्रोइज्म क्या होता है, और ये प्रो सोशल बिहेवियर में इसका क्या रोल होता है, और किस तरह से जो एम्पथी है वो सेल्फिश और अनसेल्फिश दोनों किस्म का बिहेवियर है, और एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म क्या होता है। एम्पथी इज़ ऑफन डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सनस एक्सपीरियंस बाय इमेजिनिंग वन सेल्फ इन दैट पर्सन सिचुएशन। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर सोचें। ठीक है, जो किसी इंसान पर गुजर रही है, आप ये सोचें कि वो अगर मुझ पे गुजर रही होती तो मैं कैसा फील करता, कैसा महसूस करता। मतलब पुटिंग वन सेल्फ इन अदर पर्सन शूज, किसी की जगह पर ख़ुद को रखकर सोचना। तो ये जो चीज़ होती है और उसके बारे में फ़ील करना कि वो किस तरह से फ़ील कर रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, हालांकि आप ख़ुद उस सिचुएशन में नहीं होते, लेकिन आप फ़ील करते हैं जब आप ख़ुद को उसकी जगह पर रख कर सोचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पथी कहते हैं। ठीक हो गया। एक और डेफिनेशन है, द कैपेसिटी टू बी एबल टू एक्सपीरियंस अनदर्स इमोशनल स्टेट्स, फील सिंपैथेटिक टुवर्ड देम एंड टेक देयर पर्सपेक्टिव। मतलब क्या करते हैं, ये एबिलिटी अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर सोचना, जो उसके इमोशनल स्टेट्स हैं, जो उसके इमोशंस चल रहे हैं, जैसा वो फील कर रहा है, वो सब महसूस करना, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना और उसकी तरफ डेवलप करना, उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, एम्पथी है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म। अब किस तरह से जो एम्पथी है वो एक सेल्फिश और अनसेल्फिश दोनों किस्म का बिहेवियर है। दिस इज़ सेल्फिश बिकॉज इट लेट्स अस टू ऑफर हेल्प फॉर नो एक्सट्रिंसिक रीज़न। इसमें क्या है कि ये अनसेल्फिश है, क्योंकि इसमें हमें कोई एक्सट्रिंसिक रीज़न नहीं मिल रही होती है। मतलब एक्सट्रिंसिकली कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जब आप दूसरे की जगह पर ख़ुद को रख कर सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। लेकिन दूसरी तरह से ये सेल्फिश भी है, इन वन सेंस, सिंस द बिहेवियर ऑफ असिस्टिंग अदर्स हेल्प्स अस टू, इट कैन मेक अस फील बेटर। क्योंकि जब हम फील करते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा महसूस कर रहा होगा, फिर हम उसकी हेल्प करते हैं, तो इसमें इमीडिएटली तो हमें कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लेकिन क्या होता है कि हम ये फील करते हैं, ये सेल्फिश इस लिहाज से है कि हम ये सोचते हैं कि मे बी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो शायद सामने वाला हमारी भी मदद कर दे। ठीक है, और दूसरा ये कि जब हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो इससे हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, हम बेटर फील करते हैं, तो मतलब पॉजिटिव इमोशंस अराइज होते हैं हमारे अंदर। ये इस लिहाज से क्या हुआ कि एक सेल्फिश बिहेवियर है। उसके बाद आता है जी एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म हाइपोथेसिस विच सजेस्ट दैट एटलीस्ट सम प्रो सोशल एक्ट्स आर मोटिवेटेड सोलली बाय द डिजायर टू हेल्प समवन इन नीड। सच मोटिवेशन कैन बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग दैट द हेल्पर इज विलिंग टू एंगेज इन अनप्लेजेंट डेंजरस एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज़। अच्छा जी, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो इन फ्यू पर्सन ने क्या किया था, इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, और इसके मुताबिक क्या है कि कुछ हमारे प्रो सोशल एक्ट्स, प्रो सोशल मतलब जिसमें हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, किसी को कंफर्ट करते हैं, उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं कि ये प्रो सोशल एक्शंस हैं। ठीक है, या फिर प्रो सोशल बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले एक्शंस होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं प्रो सोशल जिनके पीछे सिर्फ एक ही मोटिवेशन होती है, और वो क्या होती है कि जो दूसरा पर्सन हेल्प की जाए। ठीक है, तो वो हेल्प करने वाली जो एक ही मोटिवेशन होती है जिन मतलब के हमारे बिहेवियर्स में, और उन में कोई इस तरह की और नहीं होती है मोटिवेशन के फॉर एग्जांपल अदर पर्सन हमारी भी कभी हेल्प करेगा या फिर उससे हम अच्छा फील करें, ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं होती। सिर्फ एक ही वजह होती है हेल्प करने की, और वो क्या होती है कि जो दूसरा पर्सन है जिसको आपकी ज़रूरत है, उसकी मतलब ज़रूरत पूरी हो जाए। ठीक है, और इस चीज़ में अक्सर लोग क्या करते हैं, अनप्लेजेंट और डेंजरस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरे की मदद करना। ठीक है, और उसमें यहाँ पर कभी इंसान के अंदर कोई और फीलिंग्स नहीं होती हैं कि उसको भी कुछ मिले, रिवॉर्ड मिले, या फिर वो अच्छा महसूस करे, या फिर दूसरा बंदा भी उसकी हेल्प करे। ठीक है, नहीं, वो सिर्फ वैसे ही कर रहा होता है ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए अगले की। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म हाइपोथेसिस। मतलब हमारी वो वाली मोटिवेशन जिसमें हम सिर्फ इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि जो सामने वाला है उसको ज़रूरत है, ना कि कोई और किसी भी किस्म की इस टाइप की रीजंस होती हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास एम्पथी ऑल्ट्रोइज्म हाइपोथेसिस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।